हाय फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सबको सीटेट पेपर सेकंड मैथ और साइंस की बेस्ट बुक लिस्ट के बारे में बताया था। आप सबने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया, थैंक्स फॉर दिस। और आप सबने बहुत कमेंट करके भी पूछा कि उन्हें पीआरटी की बेस्ट बुक लिस्ट के बारे में बताया जाए। तो आज मैं आपको पीआरटी की बेस्ट बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगी कि पीआरटी एग्जाम को, यानी जो हमारा प्राइमरी टीचर का एग्जाम है, उसको फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई करने के लिए आप कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी से प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे आज हम पीआरटी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो पीआरटी का एग्जाम है वो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास फिफ्थ तक कंडक्ट करवाया जाता है। अपने आप में बहुत ही हाईली रेप्यूटेड जॉब है ये, काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो इसके लिए नेसेसरी है आपको सीटेट क्वालिफाई होना। तो आप कैसे फर्स्ट टाइम में अपने पीआरटी के एग्जाम के सीटेट को क्वालिफाई करें, इसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक लिस्ट के बारे में। तो इसमें तीन स्टेजेस हैं, उन तीन स्टेजेस या तीन बुक्स जो मैं आपको बताऊंगी, थ्री टाइप्स की, उनको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी की बुक्स आएंगे पहला चरण, जो दूसरा चरण आएगा वो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स आएंगे, और थर्ड आएगा हमारा प्रैक्टिस सेट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना है। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की है, बहुत सारे पब्लिकेशंस की हैं। आपको उनमें से किसी को परचेज नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो कर रहा है, और वो भी सेकंड क्लास से लेके सिक्स क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना है आपको। एक्चुअली क्या होगा कि जब आप एनसीईआरटीज पढ़ोगे, आपको लगेगा कि सेकंड क्लास की एनसीईआरटी तो बहुत इजी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको आते नहीं होंगे, क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो हमने बुक्स को, मतलब छोटे बच्चे को समझ थोड़ी आता है, तो हमने रटी होंगी। लेकिन जब आप उन्हें अभी समझ के करोगे तो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएंगी। और जो हमारा जो सीटेट है वो क्वेश्चन पुटअप करता है, वो भी हमारे एनसीईआरटीज से ही आते हैं। और जब आप एनसीईआरटी पढ़े तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके एनसीईआरटी आती है, आपको उसकी हर लाइन पढ़नी है, हर एग्जांपल पढ़ना है, इवन जो भी एक्सरसाइज दे रखी है सब एक्सरसाइजेस को भी सोल्व करना है। और उसमें आपको दो करेक्टर नजर आएंगे, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बूझो और पहेली। बूझो ऑलवेज क्वेश्चन पुटअप करता है और जो पहेली है वो आंसर देती है। जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे तो इसका बेनिफिट जब आप अपनी अगले स्टेज में जाओगे जो कि है प्रीवियस ईयर के पेपर, उसमें आपको देखने को मिलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि जो जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली एनसीईआरटी से ही पुट अप किए गए हैं। तो एनसीईआरटी इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ सीटेट एग्जाम, बहुत जरूरी है एनसीईआरटी पढ़ना। तो आप एनसीईआरटी को बिल्कुल अवॉइड ना करें, सेकंड क्लास से लेके सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। देखिए, इसमें आपको ये नहीं करना कि आप मैथ और साइंस की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, नहीं, आपको हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ना है। पेपर फर्स्ट में पीआरटी में हमारा ईवीएस और मैथ आता है, तो ईवीएस की बुक भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है और मैथ की बुक भी अच्छे से पढ़नी है। इवन हिंदी और इंग्लिश भी आएगी, तो हिंदी और इंग्लिश की बुक्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक सेक्शन आता है हमारा सीडीपी, तो सीडीपी के लिए आपको क्या करना है, सीडीपी के लिए आप करिए जो आपकी जेबीटी की बुक्स थी, सबसे पहले आप सिलेबस निकाले सीटेट का, फिर उसमें से जो टॉपिक्स हैं वो जेबीटी की बुक में टिक करो, और फिर उन्हीं टॉपिक्स को आपको जेबीटी की बुक से पढ़ना है। आप सीडीपी के लिए कोई भी बुक मार्केट से परचेज मत करो, आपकी जेबीटी की बुक है उन्हीं से पढ़ो। आपको कुछ हमारी जनरल थ्योरीज है, जैसे कोहलबर्ग की थ्योरी हुई, वाइगत्सो की थ्योरी हुई, पियाजे की थ्योरी हुई, ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको अच्छे से पढ़ो। बाकी के टॉपिक आपकी जेबीटी की बुक से पढ़ो, उसमें बहुत डिटेल से दिया हुआ है। और देन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर सीडीपी, यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। जितने आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाओगे, जितने सीडीपी के क्वेश्चंस लगाओगे, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सीडीपी के लिए आपको जीबीटी की बुक्स को फॉलो करना है, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना है। ठीक, अब हमारी आती है फ्रेंड्स सेकंड स्टेज, कि सेकंड स्टेज में हमें क्या करना है, हमने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ ली, सीडीपी पढ़ ली, अभी हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करने हैं, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आपको बहुत अच्छे से सोल्व करना है, सोल्व करके अपने आपको एनालिसिस भी करना है। जितने आप प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करोगे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आपको फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो प्रीवियस ईयर के
पेपर्स भी नेसेसरी हैं प्रीवियस ईयर के लिए। जो बेस्ट बुक है मैं आपको रिकमेंड करूंगी सीटेट किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो ही बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगी, क्योंकि अरिहंत में बहुत सारी मिस्टेक होती है। तो आप किरण पब्लिकेशन की सीटेट पेपर फर्स्ट की बुक लीजिए और उस बुक को रिगोरियसली करना, आपको बहुत अच्छे से करना है। इफ यू हैव टाइम आप दो बार भी उस बुक को कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटीज, देन प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको करने हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस बुक का लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं या फिर आप अपनी लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी वो पूरी एनसीईआरटी वहां रखी हुई है। तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, देन प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपने प्रीवियस ईयर के भी पेपर कर लिए तो फिर क्या करना, आपको प्रैक्टिस सेट लेना है। आप कहीं से भी कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रैक्टिस सेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी ऑथर या कोई राइटर उसको बनाता है तो सब हाईली एजुकेटेड ही बनाते हैं, और जो ट्रेंड में चल रहा है, जो फिलहाल अभी चल रहा है, वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर को स्टडी करके ही बनाते हैं। तो लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी सोल्व करना है, वो भी जरूरी है आपकी सक्सेस के लिए। तो एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना है, फॉर सीडीपी यू कैन टेक योर जेबीटी बुक, एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, और प्रैक्टिस सेट को भी सोल्व करना है। ये सब चीजें आपको जरूर करनी है फॉर पेपर फर्स्ट। अगर आप ये करते हैं तो मैं गारंटीड कहती हूँ आप में खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लास्ट में बोलोगे कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम में ही सीटेट क्रैक कर सकती हूँ, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जो चीजें आपने कभी रटी थी वो चीजें आप इजीली विद इन सेकंड्स आपको समझ में आ जाएगी। इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है ना एनसीईआरटी की बुक्स में कि वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे बिल्कुल। और जब पेपर सोल्व करोगे तो वही चीजें आपको मिलेगी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, नॉलेज इंक्रीज होगी। तो एनसीईआरटी पढ़ना फ्रेंड्स जरूरी है। लास्ट में भी यही बोलूंगी कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाली वीडियोज में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ा जाए, कैसे पढ़ना चाहिए हमें फोर सीटेट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता है क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, बट दे डोंट नो कि हमें कैसे पढ़ना है। एक प्रॉपर वे होता है पढ़ने का भी कि वो कैसे पढ़ना है हमें, तो मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगी। अगर जो पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं आपने उनको फॉलो किया तो मैं गारंटीड कह सकती हूँ कि आप फर्स्ट टाइम में सीटेट को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर दोगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और अगर आप इस वीडियो से रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और मेरे नए मेहमानों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।